हेलो स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन मशीनिस्ट के लिए, मशीनिस्ट के एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, विच कम अंडर द मशीनरी सेफ्टी, मशीन सेफ्टी के लिए इसमें क्या आता है? तो इसका जो है सी सेक्शन सही है, यानी कि स्टॉप द मशीनरी बिफोर द चेंजिंग द स्पीड। कोई मशीन चलाते हैं तो जो है उसकी स्पीड चेंज करते हैं तो हमें देखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दो पर, व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फायर ड्यू टू द वुड, जो लकड़ी होती है उसके लिए कौन सी क्लास की जो है उसके अंतर्गत फायर आती है? क्योंकि लकड़ी लगी आग, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में लगी आग, पेट्रोल वाले लगी आग, तो वो सबकी क्लासिफिकेशन अलग अलग होता है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर दो का इसमें ए सेक्शन आपका सही है, ए नंबर की क्लास होती है। क्वेश्चन नंबर अपना अगला थ्री, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन ऑफ द पेपर वेस्ट, जो पेपर वेस्ट हम कहाँ डालेंगे, किस में डालेंगे? तो तीसरे का आपका होगा बी, इसमें ब्लू वाला जो होगा वो ब्लू वाले में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीन का बी आपका सही है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार का, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन फॉर प्लास्टिक, ऐसे ही प्लास्टिक वाला बिन कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका क्या होगा, इसमें होना चाहिए येलो, यानी डी, डी वाला होगा सही इसमें, तो इसमें आपका होगा डी, येलो वाला सही है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच, पाँच में क्या कह रहा है कि विच टर्म इंडिकेट द नियरेस्ट एंड केयरलेस ऑफ वर्क पीस, फाइव एस कॉन्सेप्ट में क्या आता है? तो फाइव में साइन आता है इसमें, एस एच आई एन ई, ये है क्वेश्चन नंबर पाँच का सी सही है। क्वेश्चन नंबर आता है छठा, क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है, विच इज़ द यूज द विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आइज वाइल ग्राइंडिंग, जब ग्राइंडिंग करते हैं तो हमें क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए? आँखों को सेफ्टी करनी चाहिए, यानी गोबर लगाना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर छः का आएगा, देखिए देखते हैं क्या है इसमें, एप्रन है, सू है, हेलमेट है, गूगल, तो हमें क्या चश्मा लगाना चाहिए, ठीक है, चश्मा ही लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात का क्या आएगा, विच इज़ द लेज एक्सपेंस ऑफ द पॉल्यूटेड एनर्जी शेविंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड रिसाइकिंग लैंड फाइल कंपोजिंग बर्निंग एंड द वर्स मटेरियल, तो इसमें कहना चाहिए कोई भी चीज़ है वो रिसाइकिल की जाती है तभी उसको सही से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, इसी का पार्ट चलते हैं लेवल टू में। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, विच फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर फ्लेमेंट लिक्विड फायर, यानी लिक्विड यानी तेली आग लगी हुई, तो कौन सा इसमें हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? तो पहले का कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका, क्या आएगा, वी सेक्शन इसका सही है, फॉर्म एक्सटिंग्विशर, फॉर्म एक्सटिंग्विशर से बुझाई जाती है आग, ठीक है। अगला चलते हैं दो नंबर पर, विच इज़ द एक्सटिंग्विशर यूज विद द इलेक्ट्रिसिटी नॉन कंडक्टिंग केमिकल, यह कह रहा है कि इसमें जो शौचालक वो क्या होता है कि जो एक्सटिंग्विशर है जो बिजली वाले होते हैं या केमिकल्स में आग लगती है उसके लिए कौन सा जो है एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? तो दो का आएगा इसमें बी, क्या आएगा इसमें बी, फॉर्म एक्सटिंग्विशर, भी इसमें भी फॉर्म एक्सटिंग्विशर ही यूज होगा। क्वेश्चन नंबर तीन, विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर द क्लास डी फायर, डी टाइप फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होगा? तो उसका आएगा तीसरे का बी, यानी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। क्वेश्चन नंबर चार, व्हाट इज ए, व्हाट स्टैंड फॉर ए बी सी फॉर फर्स्ट एड, यानी ए बी सी फर्स्ट एड के लिए, ए बी सी का क्या महत्व है फर्स्ट एड के लिए? तो इसका आएगा एवे, एक्यूट, एयरवे, तो इसमें क्या है इसका, एयरवे आएगा इसका, सी सेक्शन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच, व्हाट इज़ द एड फॉर द थर्ड डिग्री बर्न, तो थर्ड डिग्री बर्न के लिए हमें क्या यूज करना है, क्या करना है इसमें? क्वेश्चन नंबर पाँच का आएगा इसमें, अप्लाई क्रीम, वाइंड बैंडेज, कवर विद ए डैम्प, पहले कोई भी चीज़ है उसको हम फायर वाली को डैम्प यानी ढकते हैं पूरा, कवर विद ए डैम्प क्लोथ, उसको पूरे हम कपड़े से ढकना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर द सेकेंड डिग्री वंस, यानी सेकेंड स्टेप में अगर कोई जल जाता तो उसको हम क्या यूज करते हैं? तो इसका आएगा छठे का, एप्ली क्रीम, वाइंड फ्लैश विद द कूल वाटर, इसको करते हैं कूल वाटर यूज करना चाहिए हमें, फ्लश एंड कूल वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला सात में, हाउ टू मेक यूज ऑफ द मेटल चिप, तो मेटल चिप में क्या यूज करना है इसका है हाउ टू मेक यूज ऑफ मेटल चिप्स, तो मेटल चिप्स क्या है ये? तो इसमें आएगा वर्निंग है, लैंडफिल्स है, रिसाइकिल है, कंपोजिट है, इसमें क्या है? तो क्वेश्चन नंबर सात का आएगा सी, रिसाइकिल जो है वो हम लेंगे। अगला पार्ट स्टूडेंट्स हम करते हैं बेसिक फिटिंग का, स्टार्ट करते हैं बेसिक फिटिंग में। देखिए कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, वो आपको एक बाइस दिखा रखी है, बाइस में व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्स, एक्स वाले पार्ट का नाम आया है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको भली बात है बड़ा दिमाग से सोच करके आंसर देना होगा।
तो इसमें एक्सपर्ट दिखा रखा है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो एक्सपर्ट दिखा रखा है एक प्लेट के तरफ दिखा रखा है। इसमें दो जगह बड़े हैं, एक फिक्स वाला है एक मूवेबल वाला है। जिसमें हैंडल लगा है मूवेबल वाला है और जो एरो लगा है जहाँ पे वो फिक्स वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, दो चीज़ दिखा रखी है इसमें, ठीक है। सबसे बड़ी बात है इसमें दो चीज़ दिखा रखी है, ये क्या है ये, ठीक है। तो इसमें जबड़े लगे हुए हैं साइडों में, ठीक, अंदर साइड में जो हम जॉब को पकड़ते हैं। तो ये क्या है, इसके ये फिक्स जहाँ है किस टाइप के जहाँ है, ये इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें आंसर ढूंढना है। आंसर क्या क्या है इसमें, हैंडल हार्ड फिक्स जा मूवेबल जा। तो पहले क्वेश्चन में कौन सा है, इसमें हुआ बी, यानी कि ये हार्ड जाए। ये आप देख रहे हैं बी सेक्शन इसका सही है। क्यों सही है, क्योंकि वो सीधे सीधे स्पष्ट दिखा रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लो, हाउ द बेंच वाइज आर स्पेसिफाइड। बेंच वाइज को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, बेंच वाइज को स्पेसिफाई करते हैं वो कितने इंच की है, वो जबड़ों से होता है। तो लिखे बिट ऑफ द जा, लेंथ ऑफ द स्पंडल, लेंथ ऑफ द फिक्स्ड। तो इस किससे होता है, बिड ऑफ जा जो होते हैं जाप की जो है लंबाई से उसको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा हुआ, ए सेक्शन सही हुआ, दूसरे का ए, ठीक है। तीसरे का चलते हैं क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द निडल फाई। ये शेप निडल फाई की शेप क्या कह रहा है, क्रॉस हाफ राउंड है, नाइफ है और ये फीदर है जो। तो क्या ये नाइफ है, चाकू जैसे दिखाई दे रही ना। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर आपका तीन का सी सही है, ये चाकू सा दिख रहा है आपको, तो ये नाइफ एज वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं चार, चार क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बाइस। एक तरह की बाइस है, पिन बाइस टाइप की है। तो इस क्वेश्चन नंबर चार का आपका आंसर क्या हुआ, आपके इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पिन बाइस, हैंड बाइस, पाइप बाइस। तो ये आपकी पिन बाइस है, वो छोटे छोटे जाब को पकड़ने में काम आती है, तो इसे पिन बाइस बोलते हैं। इसका ए सेक्शन सही है चौथे का। अब चलते हैं पाँचवा, पाँचवे पर क्या है, ये दिखा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। अब एक्स वाले भाग को दिखा रहा है, पीछे वाला जो भाग है आप देखो फिक्स वाला जाए, फिक्स वाले इसको दिखा रहा है, हैंडल है, स्पंडल है, फिक्स जाए, मोबाइल जाए, क्या है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का आपका कौन सा है, सी सेक्शन, ये फिक्स जाए, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर पाँच का सी ये हो गया, फिक्स जा। क्वेश्चन नंबर अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर छः, छः में क्या दिखा रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बाइस। एक तरह की बाइस बनी हुई है, तो इस बाइस में क्या दिखा रहा है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं छः के, क्या है ऑप्शन, पिन बाइस है, हैंड बाइस है, या आपकी पाइप बाइस है, टूल मेकर बाइस है। ये आपकी क्या, टूल मेकर बाइस है, विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है, तो ये आपका टूल मेकर बाइस है, यानी इसका डी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सात, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। ये कौन सा इक्विपमेंट है, कौन सा औजार है, ये आपकी क्या है, ये टेबल है। टेबल दो तरह की होती है, एक मार्किंग टेबल होती है और एक होती है सरफेस प्लेट, ठीक है। तो ये कौन सी है आपकी, ये आपकी दिखा रखी है क्वेश्चन नंबर सात में, इसमें कौन सा सेक्शन है, एंगल प्लेट है कि मशीन टेबल है, सरफेस प्लेट है कि मार्किंग ऑफ टेबल है। ये मार्किंग ऑफ टेबल है, हम जॉबों को जब जॉब बनाते हैं तो उनकी मार्किंग करनी पड़ती है, तो ये आपकी मार्किंग ऑफ टेबल है, ठीक है। इसमें खाँचे कटे होते हैं, खाँचों का काम क्या होता है, जब हम फाइलिंग करते हैं या कोई डस्ट वस्ट गिरती है तो उसके खाँचों में चली जाती है, इसलिए इसमें जो है खाँचे बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आठ, क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है, ये दिखा रहा है आपको एक, ये दिखा रखा है इन्होंने, व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्किंग टूल। ये मार्किंग टूल कौन सा दिखा रखा है, ये आपका सरफेस गेज है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ मार्किंग टूल, सरफेस गेज। तो इसमें दिखा रखा है ऑप्शन स्क्राइबर है, सरफेस प्लेट है, यूनिवर्सल सरफेस गेज है, फिक्स टाइप का है। अब ये क्या है कि ये भी देखना हमें कि किस टाइप का है, ठीक है। इसमें सब चीज़ देखनी पड़ेगी हमें, किस टाइप का है, कैसा है ये। तो इसमें देख रहे हैं आप सरफेस प्लेट है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज है कि फिक्स टाइप का है। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका है आठ, आठ का है इसका क्या हुआ, आठ का सेक्शन आएगा डी, ये फिक्स टाइप का सरफेस गेज है। इसी में आते हैं यूनिवर्सल, आते हैं यूनिवर्सल नीचे पिन, यहाँ पर पिन लगी होती हैं, ठीक है। इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं नाइन पर, क्वेश्चन नंबर इस पर निशान लगाया नहीं, मैंने निशान लगा दे रहा हूँ, आठ का आपका डी सेक्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नौ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मार्ग एक्स। अब सभी एक्स भाग को दिखाना है, क्या दिखा रहा है एक्स भाग, ये एक्स भाग नीचे वाला दिखा रहा है यार, ये पिन टाइप की है, ठीक है। पिन है क्या, ये क्या है कि सुना गया है, स्क्राइबर है, गाइड पिन है, रोक आर्म है। तो क्या है ये, सी एस का सेक्शन, गाइड पिन है ये। ऊपर नीचे हम क्या है, गाइड पिन, इसको क्या करते हैं, हम नॉब को ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं तो ये गाइड पिन को हेल्प करती है, तो इसका है ये सी सेक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दस, दस में कह रहा है विच वन ऑफ द मार्किंग मीडिया विल टेक मोर टाइम टू द ड्राई। वाइट वाश है, प्रशियन ब्लू है, कॉपर सल्फेट है, सेल्सस, अच्छा लेपकोर है। तो ये ए बी सी डी में कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर दस का अब है बी सेक्शन। प्रशियन ब्लू जो होता है ये इसमें यूज करते हैं, प्रशियन ब्लू मार्केट का ध्यान दें,
जब कोई जॉब आपस में मैच करा के चलाते हैं तो प्रिसिजन ब्लू ही लगाया जाता है, जिससे पता लग जाता है कि उसका प्रिंट आउट कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर मैच कर रहा है, कहाँ पर नहीं कर रहा था, इसलिए प्रिसिजन ब्लू उसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राइंडर। ये ग्राइंडर जो है पेडेस्टल ग्राइंडर है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो इसका कौन सा आएगा, ये पेडेस्टल ग्राइंडर है। सेक्शन इसका 12-11 का सी है, पेडेस्टल ग्राइंडर। ग्राइंडर जो है होते हैं, पेडेस्टल ग्राइंडर होते हैं, बेंच ग्राइंडर होते हैं, अगर ये खड़े में है ऐसे तो ये पेडेस्टल है, और जो नीचे केवल बॉटम लगी होती है वो आपके बेंच ग्राइंडर होते हैं, ठीक है। हाथ से पकड़ने वाले हैंड ग्राइंडर होते हैं, तो इस तरह से अलग टाइप के ग्राइंडर होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द मार्क एक्स। एक्स वाला पार्ट क्या दिखा रहा है इसमें ये, ठीक है, ये आपका देख रहे हैं एक लेंस टाइप का लगा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है टूल लेस्ट है, आई सील्ड है, व्हील गार्ड है, तो ग्राइंडिंग व्हील है, तो इसमें क्या दिखा रखा है ये क्वेश्चन नंबर आपका बारे में, देखिए ये आई सील्ड है, ये देख रहे हैं आप, जो डस्ट आकर निकल कर भागती है तो ये आपके इससे रुकी रहती है, सेफ्टी गार्ड जैसी है, तो इसका क्या है, आई सील्ड है ये, ठीक है, आँखों के लिए जो डस्ट आती है उसको रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। इसमें भी एक्स पार्ट दिखा रखा है, देखो सेफ्टी, एक भील लगे हुए हैं, भील के पीछे गार्ड सेफ्टी गार्ड है इनके, ये कवर्ड है एक तरह से, ठीक है। तो 13 का सीमित कितने ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, टूल रेस्ट है, भील गार्ड है, ग्राइंडिंग भील है, कूलेंट कंटेनर है, तो ये क्या है, भील गार्ड है, भील के सेफ्टी गार्ड है एक तरह के, तो इसका आपका हुआ बी सेक्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, सी से दिख रहा है कि ये इनसाइड क्या है, इनसाइड आपका ये कैलिपर है, तो इसका क्वेश्चन होगा 14 का सी होगा, ठीक है। स्प्रिंग जॉइंट ये है आपका स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, ये पत्ती जो होती है, ये वाली ये पत्ती दिख रही है, ये स्प्रिंग होती है, स्टील की पत्ती होती है, तो इसलिए स्प्रिंग टाइप का हो गया ये, एक जो है स्प्रिंग के नहीं होते हैं, सीधे सीधे होते हैं, पत्ती जुड़े होते हैं, ठीक है, बट ये आपका स्प्रिंग टाइप है। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्टील रूल। ये स्टील आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे पार्टों में इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये आपका कौन सा हुआ दिया है इसमें, ये फोल्डिंग रूल है, शॉर्ट रूल है, तो कौन सा शॉर्ट रूल है, शॉर्ट रूल में क्या होता है, छोटे साइज के टुकड़े होते हैं, उनको हम एक पत्ती फंसा करके अंदर वाले हिस्से में डाल देते हैं और नापाई कर लेते हैं, तो इसका क्वेश्चन 15 का बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज कट ऑफ फाइल। ये जो आप देख रहे हैं इसमें किस कट की फाइल है, देख रहे हैं अभी इसमें कवर्ड हो रहा है, ठीक है, कार्बल टाइप की इसमें फाइल है, तो ये कवर्ड टाइप की है, तो इसमें लिखा रास कट है, कवर्ड कट है, डबल कट है, सिंगल कट है, कौन सी कट है, तो इसमें कौन सी वाली है, ये आपकी कार्बोर्ड कट है, ये इसका बी सेक्शन सही है, 16 का बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पार्ट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द मार्क एक्स। इसमें एक्स भाग को पूछ रहा है क्या भाग है, तो एक्स भाग क्या दिखा रहा है इसमें, देखो टिप है, हील है, टैंग है, शोल्डर, तो क्या है, सी से पता लग रहा है कंधा है इसका, शोल्डर है, ठीक है, तो इसमें कौन सा इसका आंसर हुआ, शोल्डर, तो ये इसका शोल्डर डी वाला सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। ये कौन सी फाइल है, रोटरी फाइल है कि टिंकर फाइल है, बैटल फाइल है कि माइल सब फाइल है, तो कौन सी फाइल है, ये आपकी बी ट्रिंकल फाइल है, ट्रिंकर, ये ट्रिंकल फाइल है ये। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 में कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हेक्सा ब्लेड एलिमेंट मार्क एक्स। एक्स वाला भाग दिखा रखा है, कौन सा है, एक तो ये हुआ कि दो दांतों के बीच की दूरी है तो वो पिच कहलाएगी आपकी, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है आप, चलते हैं क्या देख रहे हैं इसमें 19 में, डेप्थ ऑफ टीथ, पिच ऑफ टीथ, बिट ऑफ टीथ, लेंथ ऑफ ब्लेड, तो ये क्या है, दो दांतों के बीच की दूरी दिखा रहा है, तो पिच कहलाइए, ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हुआ आपको, 19 का बी होना चाहिए, ठीक है, तो इसका पिच ऑफ टीथ है, पिच माने एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी, पिच की आपके ब्लेड की हो या आपके चूड़ी की हो, ये आपकी पिच कहलाती है, एक दूसरे दांतों के बीच की दूरी होती है, पिच कहलाती है, ठीक है। 20, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द हेक्सा ब्लेड ऑफ द कटिंग हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील का जो ब्लेड होते हैं, ठीक है, उसकी पिच क्या होती है सही, तो लिखा 0.8, 1 mm, 1.4, 1.8, तो जो सही है वो आंसर्स में है 1.4 वाला सही है, इसमें इतने पिच की 1.4 mm की इसमें पिच होती है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द क्रॉस कट चीजल। तो यानी कि अदर दूसरा नाम क्या है क्रॉस कट चीजल का, क्या नाम है, 21 का बैब चीजल है, कैप चीजल है, डायमंड पॉइंट चीजल है, या हाफ राउंड चीजल है, तो आपका 21 का बी सेक्शन सही है, वो कैप चीजल कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। ये कौन सी चीजल है दिखाई दे रही है, बैब है, फ्लैट है, क्रॉस कट है, या डायमंड वाली है, तो कौन सी है, ये क्रॉस कट दिख रही है हमको, तो ये क्रॉस कट वाली है। क्वेश्चन नंबर 23
23 क्वेश्चन नंबर में व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, एक्स वाला भाग दिख रहा है, सी से दिख रहा है, ये किसी चीज़ का बॉडी है, बॉडी दिख रही है, बॉडी है, फेस है, हेड है, पॉइंट है, तो क्या है ये एक तरह से आपकी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज ऑफ द फोर गेवल स्टील, तो जो परसेंटेज होती है मैक्सिमम कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए उसमें, तो 24 का आएगा आपका डी, इसमें 33% तक होती है लगभग इसमें, ठीक है, तो ये इसका डी का ये हो गया आपका 24 नंबर का डी क्वेश्चन आपका सेक्शन 24, क्वेश्चन नंबर 24 का डी सेक्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क, जो एंगल दिखा रखा है कौन सा मार्क कर रखा है, कौन सा दिखा रखा है इन्होंने, आप देखें ये पॉइंट दिखा रखा है ये, ठीक है, और पीछे का एरो दिखा रखा है, तो ये पूछ रहा है कौन सा एंगल है, क्या एंगल है, तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, रैक एंगल है, पॉइंट एंगल है, कि लेंस एंगल है, और आपका एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन है, तो कौन सा सेक्शन दिख रहा है इसमें, इसमें कौन सा एंगल दिखाई देगा आपको पार्ट 25 नंबर का, 25 का आएगा उसमें सी आएगा, यानी कि लेंस एंगल, क्योंकि कोई चीज़ को काटने के लिए उसमें पीछे एंगल चाहिए, तो इसमें लेंस एंगल चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के अलावा व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ द चिजल टू कट माइल्ड स्टील, कितना एंगल होना चाहिए कटिंग के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आएगा 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री और 60 डिग्री, तो कितना होना चाहिए इसमें, ये आपका 55 डिग्री इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा, व्हाट इज द इंडिकेटर वाई एक्स, एक्स वाला भाग को क्या दिखा रहा, एक तो सही कह रहा है, ये समझ लो टोटल लेंथ ही दिख रही है हमें, तो ये तो इसका कौन सा हुआ, ये 27 का हुआ लेग साइज स्प्रिंग और फुलक्रम, फुलक्रम नहीं है ये आपका, इसकी क्या है ये साइज दिखा रखा है, क्योंकि हर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से स्पॉन्ज से लेकर तक ये लंबाई इसकी दिखा रखी है, जैसे कि ये 6 इंची वाले हैं या 8 इंची वाले हैं या 12 इंची वाले हैं, इस तरह से अलग साइज में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 27 का बी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या है, देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है कि ये क्या है, बेवल टाइप का दिख रहा है हमको, ठीक है, तो ये कौन सी गेज है, बेवल गेज है और बेवल प्रोडक्टर है या यूनिवर्सल बेवल गेज है, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल बेवल गेज है, इसका सी सेक्शन सही है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एंगल्स को टेपर्स को चेक कर लेते हैं। 29 में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द सेंटर पंच, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, जो पंच होते हैं ध्यान दें उन पंच के सभी के आप एंगल याद कर लें, क्योंकि प्रिक पंच है, सेंटर पंच है और डॉट पंच है, यही पूछता है आपको ज़्यादातर, तो इसलिए व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द सेंटर पंच, सेंटर पंच क्या नाम से भी देता है सेंटर पंच, तो सेंटर कितना होता है 90, तो इसका डी का 90 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, विच पार्ट ऑफ द हैमर द हैंडल इज फिक्स, हैंडल फिक्स किस में होता है, पैन में, फेस में, चेक में, आई होल में, हैंडल कहाँ फिट होता है आप, इसके आई होल में फिट होता है, ठीक है, आई होल बनाया जाता है ताकि इसमें हम पच्चर लगा सकें और हैंडल को मजबूती से आपका हैमर इस दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, एक्स वाले पार्ट को क्या दिखा रहा है इसमें, ठीक है, पूरा ये हैमर है इसमें सब दिखा रखा है, फेस, पैन है, चेक है, ठीक है, और आई होल है, तो ये क्या है इसमें सी वाला सेक्शन है इसमें सही है इसका, ये चेक दिखा रखा है इसमें, ये आपका सी सेक्शन सही है चेक। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि विच टाइप ऑफ द डेटम रिफरेंस इज सो, ये डेटम लाइन जो है इसमें से क्या रेफरेंस कर रही है, एज डेटम कर रही है, लाइन डेटम्स है, पॉइंट डेटम है या हॉरिजॉन्टल डेटम है, तो इसमें क्या आना चाहिए इसका 32 का आपका, ये पॉइंट डेटम है, ये इसके पॉइंट टू पॉइंट तो बता रही है, तो इसका ये पॉइंट डेटम हो गया, तो 32 का आपका होगा सी सेक्शन सही है। अगला पार्ट है व्हाट इज द ग्रेड ऑफ द फाइल यूज्ड फॉर रैपिड एंड लार्जर क्वांटिटी ऑफ मेटल, अधिक मेटल हटाने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग किया जाता है, तो इसका एक रफ फाइल है, ब्लास्टेड फाइल है, स्मूथ फाइल है, तो इसका है रफ फाइल। क्वेश्चन नंबर आपका 2, विच ग्रेड ऑफ द फाइल इज यूज्ड टू द ब्रिंग द मटेरियल टू एक्यूरेट साइज विद ए हाई डिग्री ऑफ फिनिश, तो हाई डिग्री फिनिश के लिए कौन सी रेती यूज करेंगे हम,
रफ फाइल है, बस्टर्ड फाइल है, सेकंड कट फाइल है, डेड स्मूथ। डेड स्मूथ फाइल जो है बहुत ही बारीक कणों के रूप में काटती है, इसलिए इसका सेक्शन है आपका वो डी सही है। नंबर 3, विच ग्रेड ऑफ द फाइल रिमूव स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड टू गिव गुड फिनिशिंग। गुड फिनिशिंग और कम मटेरियल हटाने के लिए कौन सी फाइल का इस्तेमाल किया जाता है? रफ फाइल है, स्मूथ फाइल है, बस्टर्ड फाइल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका हुआ क्या, स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल इसके लिए क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विच फाइल इज़ यूज टू द फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल मोर देन 10 डिग्री। पतले सुराखों के लिए यानी तंग जगह के लिए कौन सी फाइल का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें राउंड फाइल, ट्रेंगल फाइल, हाफ राउंड फाइल, नाइफ एज। जहाँ पे पतले किनारे होते हैं तो उसमें नाइफ एज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बी ग्रुप प्रोवाइड ऑन द बेस ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज। सरफेस गेज में बी टाइप का जो ग्रुप होता है वो किसका फ़ायदा क्या है? फायदा उसका क्या है, यूज ऑन सिलेंड्रिकल डेटम सरफेस पर यूज कर सकते हैं। तो इसका है डी सेक्शन सही है, इसका है डी सेक्शन सही है। ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मार्किंग लाइन्स पैरेलल टू द इनसाइड एंड आउटसाइड एज। बाहरी किनारे के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं? इसमें डिवाइडर है, जैनी कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है। जब मार्किंग करते हैं तो एक टांग मुड़ी होती है, जैनी कैलिपर होता है वो, ठीक है। जैनी पर कैलिपर बोलते हैं, कई नाम है उसके, जैनी कैलिपर नाम होता है, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर होता है, ऑर्डलाइट कैलिपर होता है। तो इसका बी सेक्शन सही है, यानी कि जैनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ द कैलिपर आर क्लासिफाइड साइज। हाउ द कैलिपर आर क्लासिफाइड, जो आपके कैलिपर होते हैं किससे क्लासिफाई किए जाते हैं? साइज से, एक्यूरेसी से, मटेरियल से, जॉइंट एंड लैग से किए जाते हैं। उनमें जॉइंट से किए जाते हैं, ठीक है। फर्म जॉइंट होते हैं, एक दूसरे जॉइंट होते हैं, दो तरह के इसमें जॉइंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, विच पार्ट ऑफ द पेडस्टल ग्राइंडर सपोर्ट द बर्क वाइल ग्राइंडिंग। जब ग्राइंडिंग होती है तो पेडस्टल का कौन सा हिस्सा सपोर्ट करता है? ए बेस, बॉडी, टूल रेस, व्हील गार्ड। कौन सा करना चाहिए? तो इसमें आएगा आपका टूल रेस वाला जो हिस्सा होता है वो सपोर्ट करता है, टूल रेस वाला हिस्सा सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर नाइन में है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ए वर्क रेस्ट ऑफ द पेडस्टल ग्राइंडर। पेडस्टल ग्राइंडर का जो पर्पज है, वर्क जो रेस्ट करता है जहाँ पे हम ग्राइंडिंग करते हैं, तो कौन सा वाला जो है हिस्सा हमारा काम आता है इसमें? होल्ड द वर्क, सपोर्ट द वर्क है, सपोर्ट द व्हील, सपोर्ट द मशीन। क्वेश्चन नंबर 9 का है तो आपका इसमें बी होना चाहिए, सपोर्ट द वर्क, वर्क कार्य को सपोर्ट करता है। जहाँ पे टूल रेस्ट लगा होता है वर्क को सपोर्ट करता है, हमारा हाथ जो है उसमें आगे पीछे ना हो, एडजस्ट करके हम अपने काम को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल का पर्पज क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल का काम क्या होता है? बास्टर्ड फाइल का बस मैक्सिमम काम जो होता है बहुत अधिक मटेरियल को हटाना होता है, भारी मटेरियल को हटाना होता है। तो 10 का है, ब्रिंग मटेरियल रिमूव स्मॉल क्वांटिटी, ब्रिंग जॉब क्लॉज टू फिनिश फॉर हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल। तो इसका आएगा डी सेक्शन सही है इसका, यानी कि ये बहुत अधिक मटेरियल, हैवी मटेरियल को रिमूव करती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द यूज ऑफ हाफ राउंड नोज चीजल। जो हाफ राउंड नोज चीजल होती है उसका महत्व क्या है? तो इसको 11 में कहा है, फॉर कटिंग की वे, फॉर कटिंग कर्व ग्रुप्स, फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल, फॉर रिमूवल मेटल। तो इसका क्या आना चाहिए? इसका आएगा बी सेक्शन, ये फॉर कटिंग कर्व ग्रुप्स के लिए यूज में आती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूज ऑफ द क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट का जो है चीला काम क्या है, क्या काम है? स्क्वायरिंग मटेरियल एंड कॉर्नर्स जो होते हैं उनको काटने के लिए इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल यूज टू द चिप ऑफ एक्सिस मेटल ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट एंड कास्टिंग। यानी कास्टिंग होती है और जो वेल्डिंग वाले पॉइंट होते हैं उनको काटने के लिए कौन सी चीजल का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी चीजल होती है उसमें? उसमें फ्लैट चीजल होती है, चपटी वाली, सीधे सीधे चीजल होती है। समानता यही चीजल हमेशा हर काम में यूज आती है, तो यह है फ्लैट चीजल। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आएगा, विच कैलिपर इज यूज फॉर मार्किंग पैरेलल लाइंस ऑफ द एज ऑफ द जॉब। एज के जो क्या अभी पीछे रिपीट हो चुका है, कौन सा आता है इसमें? इसमें आएगा जैनी कैलिपर, यानी जैनी कैलिपर, ओल्ड लाइक कैलिपर, कई नाम है इसके, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट मटेरियल इज यूज फॉर मार्किंग मेकिंग स्क्राइब। स्क्राइब के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्पीड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, कौन सा यूज करते हैं इसमें? हाई कार्बन HSS यूज किया जाता है, HCH, हाई कार्बन स्टील यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ द बाइस इज यूज फॉर द ग्रिपिंग स्क्रू, रिवेट्स, की एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट। छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए कौन सी बाइस यूज करते हैं? कौन सी? पिन बाइस, हैंड बाइस, पाइप बाइस। तो इसमें यूज करते हैं हम पिन बाइस। पिन बाइस जो होती है छोटे छोटे पार्ट्स को पकड़ने में काम में आती है।
617 का है। बिस टाइप ऑफ द पंच इज यूज फॉर द मार्किंग विटनेस मार्क ऑन वर्क सरफेस, कौन से करते हैं, डॉट पंच है, सेंटर पंच है, तो सेंटर पंच है, फॉलो पंच है, प्रिक पंच है, तो इसमें क्या यूज करते हैं, डॉट पंच का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि की गई ड्राइंग जो आप छोटी छोटी मार्किंग करते हैं उसको पक्का करने के लिए डॉट पंच का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन 18 वाला है, व्हाट इज यूज ऑफ द 30 डिग्री प्रिक पंच, मैकिंग होल, मार्किंग विटनेस, लोकेटिंग सेंटर ऑफ द होल, मार्किंग लाइट पंच, मार्क द डिवाइडर पॉइंट, तो इसका ये लास्ट वाला सही है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। व्हाट विल हैपन इफ द डेटम सरफेस इज नॉट परफेक्टली फ्लैट, अगर कोई डेटम कोई सरफेस सतह समतल नहीं होगी तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, मार्किंग इज एक्यूरेट हो जाएगी, मार्किंग इन एक्यूरेट हो जाएगी, सरफेस फिनिश बिल डीक्रेस हो जाएगी, सरफेस फिनिश बिल इंक्रेस हो जाएगी, तो इसमें क्या आएगी, जब समतल सतह नहीं होगी, सतह समतल नहीं होती तो क्या होगा, मार्किंग इज अनएक्यूरेट, जो मार्किंग वो सही नहीं होगी, जो उसमें ऊपर नीचे हो जाएगी, तो उससे पता नहीं, सही नहीं लगेगा कि हमारा क्या काम होना है इसमें, किस तरह से होना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका अगला, व्हाट कुड बी द रेमेडी इफ द कटिंग कैम, व्हाट वुड बी द रेमेडी इफ द कटिंग डिवेटेड फ्रॉम द लाइन ऑफ द मार्किंग, इसमें दिखा रखा है कि इसमें ये देखें दो पार्ट्स हैं, ये इनमें कटिंग दिखा रखी है, एक लेफ्ट एक राइट, ये मुझे लगता है ये मिरर वाली है, पूरा मिरर दिखा रखी है, एक तरह से स्टार्टिंग की तरफ पे एंड वाला दिखा रखा है, तो इसमें जो आंसर्स हैं वो है कंटिन्यूइंग कटिंग, कटिंग है, रिप्लेस द हेक्सा ब्लेड है, सो डाउन द कटिंग है, तो ये मिरर है, तो इसमें हिसाब से स्टार्ट कटिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑन द सेम लाइन, इसका तो ये वाला सही है, क्वेश्चन डी का, डी सही है इसका। व्हाट विल हैपन इफ रन ए ग्राइंडर विदाउट ट्रोइंग, अगर ग्राइंडर बिल अगर सही से अगर आप ट्रोइंग नहीं करेंगे तो कैसे घूमेगा वो, कोई चीज़ आप देखते हैं जो बांधते हैं अगर टूल करके नहीं बांधेंगे तो वो क्या है, वाइब्रेशन में अपसाइड होकर घूमती है, तो उससे क्या होगा, घूमने से एक्सीडेंट होने के चांसेस पूरे रहते हैं, तो 3 का आएगा इसमें एक्सेसिव वाइब्रेशन, फालतू का वाइब्रेशन होगा, ठीक है, तो इसका ये एक ए सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ द रैक एंगल ऑफ ए चीजल इंक्रीज, यानी कि चीजल में जो है रैक एंगल क्या इंक्रीज करता है, तो चीजल बिल स्लिप होगा, कटिंग एज ब्रेक हो जाएगा, प्रॉपर कटिंग नहीं ट्रेक प्लेस होगा, कटिंग एज डिग इन द वर्क होगा, तो इसमें क्या होगा, चीजल बिल स्लिप, जब रैक एंगल चीजल जो है वो बड़ा होगा यानी कि ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या नाम है स्लिप करेगी, कटिंग नहीं करेगी, तो आपका आएगा चीजल विल स्लिप। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ क्लीयरेंस एंगल ऑफ ए चीजल इंक्रीज, तो इसका क्या आएगा, गुड कटिंग, लेस कटिंग, चीजल विल स्लिप, कटिंग एज डिग इन द वर्क, इसका ये आएगा डी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टर्म इन BIS लिमिट फॉर फिट्स टू मेंशन द साइज विद डायमेंशनल ड्यूरेशन, साइज है, बेसिक साइज है, एक्चुअल साइज है, मैक्सिमम साइज है, तो इसमें क्या आएगा 5 का, आपका आएगा ये बेसिक साइज, बेसिक साइज होता है वो BIS लिमिट में मेंशन इसको करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द फाइंडिंग मैक्सिमम लिमिट साइज इन BIS सिस्टम, मैक्सिमम साइज को कैसे हम प्राप्त करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का, तो मैक्सिमम लिमिट बेसिक साइज प्लस अपर डिवीशन है, मैक्सिमम लिमिट प्लस लोअर है डिवीशन है, मैक्सिमम लिमिट और अपर डिवीशन है, मैक्सिमम लिमिट लोअर डिवीशन है, तो इसका क्या आएगा छठे का, छठे का आएगा मेरे हिसाब से चाहिए आएगा इसका ए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लिमिट बराबर क्या होता है बेसिक साइज पिलर अपर डिवीशन वो इसको शो करेगा, तो इसका हुआ आपका ए सेक्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टॉलरेंस, BIS सिस्टम में डेफिनेशन क्या है टॉलरेंस की, तो डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइज एल्जेब्रिकल, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड आपकी मिनिमम लिमिट, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहा जाता है, तो इसका सेक्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, विच फंडामेंटल डेविएशन सिंबल इंडिकेट शाफ्ट बेसिक सिस्टम, कह रहा है कि जो है कि फंडामेंटल डेविएशन सिंबल में इंडिकेटर क्या है, शाफ्ट का सिस्टम, शाफ्ट का क्या होता है, होल का क्या होता है, ये इसको शो कर रहा है, तो इसमें 8 का आएगा बी, जो है आपका एच स्मॉल एच से चीज़ को दिखाते हैं। 9, व्हाट इज द मीन बाई द अपर डेविएशन इन BIS सिस्टम लिमिट एंड फिट, इसमें क्या शो करेगा कि मैक्सिमम साइज ऑफ कंपोनेंट, मिनिमम साइज ऑफ कंपोनेंट, एल्जेब्रिकल डिफरेंस, एल्जेब्रिकल डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट और
बेसिक साइज, जो बेसिक साइज होता है और मैक्सिमम लिमिट होती है उस जिस बीच का जो अंतर होता है वो अपर डेविएशन कहलाता है। अब इसे जानकारी के लिए लिमिट एंड टॉलरेंस वाली मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ लिमिट एंड फिट पूरा दिखा रखा है। आप क्या आपकी लिमिट फिट टॉलरेंस होती है, क्या आपका बेसिक साइज होता है, क्या जो साइज होते हैं वो सब मैंने मेंशन किए हैं, आप उसको आप देख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच साइज विल रिप्रेजेंट द जीरो लाइन लिमिट टर्मिनोलॉजी। जीरो लाइन क्या शो करती है, बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज। जो आपकी जीरो लाइन होती है आपकी वो आपके बेसिक साइज पर होती है, यानी कि जीरो लाइन पर होती है, बेसिक साइज पर होती है, यानी कि बेसिक साइज होता है कोई जो बनाना हमने 50 का डाया उसका बेस हो गया और उसके ऊपर हमने प्लस में जो बनाना उसको जो आपको माइनस में बना सकते हैं, तो बेसिक साइज क्या हो गया उसका, उसका आपका जीरो लाइन को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एच, कैपिटल एच का ड्राइंग में आपको क्या शो कर रहा है, ये होल साइज दिखा रखा है तो ये क्या शो कर रहा है, इसमें बेसिक साइज, टोल लेंस, फंडामेंटल टोल लेंस, फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ होल। तो क्वेश्चन नंबर आपका है ये 11, तो 11 का क्या आना चाहिए इसमें, ये फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ होल, फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ होल ये दिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन डाया 25H7, तो इससे क्या मतलब है और क्या शो कर रहा है, तो क्या शो कर रहा है इसका बताएगा आपको बी, इसमें जो एच है फंडामेंटल डायमेंशन में एच है केवल, जो कैपिटल एच बना हुआ है इसका बी का बी सेक्शन हुआ एच। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फिट, फिट की डेफिनेशन क्या होती है, दो मेल फिट पर फिट होते हैं उनको हम फिट बोलते हैं। जो इसमें प्रैक्टिकली बोल रहा है क्या है कि मैक्सिमम साइज ऑफ द डायमेंशन, मिनिमम साइज ऑफ द डायमेंशन, परमिशन डायमेंशन ऑफ डायमेंशन, रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑफ टू मैटिंग पार्ट, तो 13 का क्या हुआ डी सेक्शन सही हुआ, रिलेशन द मैटिंग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, भार टाइप, विस टाइप ऑफ द फिट ऑप्टेन ऑफ द होल इज बिगर देन द शाफ्ट, तो इसमें है टाइट फिट, ट्रांजिशन फिट, के लेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, इनमें से कौन तीनों में से कौन सी आएगी, इसकी आएगी सी वाली, क्लीयरेंस फिट, क्योंकि विच टाइप ऑफ फिट इज ऑप्टेन ऑफ द होल इज बिगर देन द शाफ्ट, कह रहा है बिगर मैंने बड़ा साइज, होल और शाफ्ट में दोनों में कोई भी बड़ा साइज होगा जिससे आसानी से होल में शाफ्ट आसानी से घूम जाती है, जिसमें आसानी से घूमती है उसमें वो क्लीयरेंस फिट होती है, तो इसलिए 14 का सी सही हुआ। ध्यान दें, अगर टाइट हो रही है, टेंशन फिट है उसमें, तो वो आपकी इंटरफेरेंस फिट और क्लीयरेंस फिट दोनों के बीच की फिट होती है, इंटरफेरेंस फिट में थोड़ा उसको ग्रोथ करता है टाइट होते हुए, उसे इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तीन प्रकार की फिट हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच टाइप ऑफ फिट इज इंडिकेट इन फिगर, इस फिगर में कौन सी आपकी फिट दिखा रखी है, कौन सी फिट दिखा रखी है इसमें, टाइट फिट है कि ट्रांजिशन फिट है कि लेंस फिट है, तो इसमें कौन सी दिखा रखी है, ये आपकी है क्वेश्चन नंबर 15 में सी वाला सेक्शन सही है इसका, ये आपकी क्लीयरेंस फिट है, देखो इसमें काफ़ी स्पेस दिखा रखा है होल और शाफ्ट के बीच में, तो इसलिए सी सेक्शन इसका सही है, क्लीयरेंस फिट हुई। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप्स ऑफ फिट इज शो इन फिगर, सो इसमें क्या दिखा रखा है, कौन सी फिट दिखा रखी है, ठीक है, तो इसमें टाइट फिट है, टोलरेंस फिट है, क्लीयरेंस फिट है या इंटरफेरेंस फिट है, कौन सी फिट है इसमें, ये इंटरफेरेंस फिट है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें होल, आप देखो इसमें कि शाफ्ट का साइज आप देख रहे हैं कि बड़ा दिख रहा है और होल जो है ये होल दिख रहा है छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो ये विरोध करेगा इसमें फिट होने के लिए, इसलिए इसमें ये आपका कौन सी फिट हो गई, इंटरफेरेंस फिट हो गई इसमें, ये इसका डिसेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल कैन बी ड्रिल्ड बाय द सेंसिटिव ड्रिल मशीन, तो जो सेंसिटिव ड्रिल मशीन होती हैं उनकी जो मैक्सिमम साइज है वो कितना होता है, वो 1.5 mm से लेकर के 1.5 mm तक का होता है, तो इसका है 12.5 mm। क्वेश्चन नंबर 18 जी, व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ द ड्रिल फॉर ड्रिलिंग माइल्ड स्टील, ड्रिल का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, कितने डिग्री होता है, ड्रिल का एंगल 128 डिग्री होता है, ड्रिल का इंक्लूडिंग एंगल 128 डिग्री होता है, अगर इंक्लूडिंग नहीं पूछ रहा तो उसका 59 आधा कर देंगे, आधा अगर 59 दे रखा हो कहीं पर तो उसको ले लेंगे, ठीक है, वरना उसका 128 डिग्री एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स, ये एक्स वाला हिस्सा क्या दिखा रखा है, ये पॉइंट दिखा रखा है इसका, तो क्या है इसमें, क्या दिखा रखा है इसमें, हेलिक्स एंगल है, पॉइंट एंगल है, तो सीधे पता लग रहा है कि ये सीधे सीधे पॉइंट एंगल है,
अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द आरपीएम ऑफ द ड्रिल रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट का फार्मूला क्या होता है, जैसे कि पाई डी एन बटे 1000 मीटर प्रति मिनट होता है वो कटिंग स्पीड का, उस टाइप से ये फार्मूला होता है। तो इसका कौन सा है आपका बी गुणा 1000 बटे पाई डी, यानी कि इसका सी सेक्शन बी इसका सही है, सी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी नंबर आर इन द मैट्रिक टेप सेट। मैट सेट जो मैट्रिक टेप होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं उसमें, तीन नंबर में होता है, 1, 2, 3 फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड सेट, ठीक है, तीन सेट, तीन नंबर में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स वाला भाग देख रहे हैं उसमें क्या दिखा रखा है, क्या है ये आपका पीछे वाला हिस्सा है, टैंग वाला हिस्सा पीछे वाला, ठीक है, ये आपका टेपर सेंगल है, पीछे वाला हिस्सा दिखा रखा है इन्होंने। तो इसका कुछ आंसर हुआ आपका, मेरे हिसाब से इसका होगा बी, ये आगा टैंग इसका हिस्सा होगा, टैंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। एक्स वाला हिस्सा देखो क्या दिखाई दे रहा है इसमें, फ्लूट है, लैंड है, मार्जिन है, क्या दिखा रहा है इसमें 23 में, इसमें ऑप्शन दे रखे 23 के, लिप, टैंग, हील, फ्लूट्स, क्या है इसके, घूमते हुए चीज़ें हैं, ये घूमती हुई चीज़ें हैं, तो ये क्या है, फ्लूट्स हैं इसके, ठीक है, तो ये आपके फ्लूट हो गए। तो इसका आंसर हो गया डी सेक्शन सही हो गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉन शेप्ड एंड ऑफ ए ड्रिल। ड्रिल के लास्ट में कौन टाइप बना होता है, तो चोंच सी बनी होती है, तो क्या बोलते हैं उसको, टैंक, फ्लूट, पॉइंट, मार्जिन, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम सी, सी नंबर पे क्या है, पॉइंट, वो सीधा पॉइंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्राइविंग एंड विच इज़ द फिटेड ऑन द मशीन। पिछला हिस्सा क्या फिट करते हैं उसमें हम, क्या फिट होता है उसमें, लिप, हील, फ्लूट, सेंक, पिछला जो हिस्सा होता है वो सेंक उसमें फिट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है इसमें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन ऑफ ए ड्रिल बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंक। सेंक और बिटवीन के बीच में जो हिस्सा होता है पूरी लंबाई वो क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा वो, उसकी क्या कहलाएगी, पूरी बॉडी होती है वो बॉडी और कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 27, विच पोर्शन ऑफ द ड्रिल द फ्लूट्स और कट, इनके बीच में जो क्या है वो हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो पूरा हिस्सा बॉडी कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच पार्ट ऑफ द ड्रिल फॉर्म द कटिंग एज बॉडी लैंड पॉइंट, क्या होता है उसमें जो फ्लूट्स होते हैं, फ्लूट्स वाले हिस्से जो है कटिंग के लिए हेल्पिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। एक्स वाला हिस्सा वो क्या दिखा रखा है आपको, दिखा इसमें दिखा रखा है हिस्सा, क्या देखते हैं, वेब है कि लैंड है, फ्लूट है और डेड सेंटर, तो क्या है इसकी, वेब कहलाती है, ये हिस्सा इसका वेब कहलाता है, तो ये आपका ए सेक्शन सही है। अगला है 30, विच इज़ द फार्मूला टू फाइंड टेप ड्रिल साइज इन जनरल पर्पज। तो टेप ड्रिल साइज के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जनरल रूप से, क्या है कि मेजर डायामीटर, मेजर डायामीटर माइनस पिच, मेजर डायामीटर माइनस पिच गुणा 3 और मेजर डायामीटर माइनस 2 गुणा पिच। इन्होंने जो है सीधे सीधे नहीं लिखा, घुमा के लिख दिया है, इसे कन्फ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका सेक्शन आपका ए सेक्शन सही है, मेजर डायामीटर और माइनस पिच। मेजर डायामीटर यानी अधिकतम किसी व्यास को, व्यास हो किसी जॉब का और उसकी पिच, जैसे 1.2 पिच है, 0.5 पिच है, उस माइनस को, पिच को माइनस घटा देंगे, उतने का ड्रिल कर देंगे जॉब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या होता है, तो प्रोडक्शन वर्क इन पेयर्स है, प्रोडक्शन वर्क इन सिंगल पीस है, इसमें क्या है मास प्रोडक्शन में अधिक उत्पादन किया जाता है, तो प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग ऑन वर्क, प्रोड्यूसिंग एंड वर्क इन लार्ज नंबर्स, इसका ये आपका सी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर में पढ़ते हैं, विच सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स आर फॉलोबेड इन आवर कंट्री। अगर अपनी कंट्री में इनका बियाज सिस्टम या कौन सा सिस्टम लागू होता है, कौन सा होता है, बी आई सिस्टम है, डी आई एन सिस्टम है, तो अपने यहाँ बी आई सिस्टम चलता है अपने, यह बी आई एस सिस्टम लागू होता है लिमिट और फिट टॉलरेंस के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच टर्म यूज टू द इंडिकेट एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द कंपाउंड इन बी आई सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिक्स्ड। लिमिट फिक्स्ड में बी आई सिस्टम में हम क्या है, क्या क्या चीज़ इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करता है, तो इसका आता है बी, साफ्ट, साफ्ट इंडिकेट करती है, लिखा है सीधे सीधे लिखा है कि बिस टर्म यूज टू इंडिकेट एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल यानी कि
आंतरिक जो व्यास होता है शाफ्ट का होता है उसमें हम जो है आंतरिक जो व्यास होता है वो होल का होता है उसमें शाफ्ट को एंटी कराते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों में एक चीज़ जो है क्या होती है फिक्स होती, एक चीज़ जो है एक साइज फिक्स होता है और एक साइज बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 34 में, व्हाट इज द मीन्ट बाय द लोअर डिवीजन इन बी आई सिस्टम। बी आई सिस्टम में लोअर सिस्टम से आप बी आई सिस्टम में लोअर डिवीजन से आप क्या समझते हैं, तो क्या है इसका 34 का बी सेक्शन आएगा, एलजेब्रिकल डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट और उसका जो बेसिक साइज होता है, दोनों को घटा देते हैं, दोनों घटा देंगे हम तो लोअर डिवीजन निकल आएगा, तो इसलिए 34 का बी सेक्शन सही है। अगला आता है 35, हाउ मैनी फंडामेंटल डिवीजन आर इन द बी आई सिस्टम। बी आई सिस्टम में कितने फंडामेंटल डिवीजन होते हैं, तो 35 का आएगा आपका, इसमें 25 नंबर्स होते हैं, 25 होते हैं। अगला है 36, हाउ मैनी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर द रिप्रेजेंटेड इन बी आई सिस्टम। बी आई सिस्टम में कितने ग्रेड, टोटल कितने ग्रेड होते हैं, कितने ग्रेड होते हैं, तो हमारे 18 ग्रेड होते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, विच फंडामेंटल डिवीजन सिंबल इंडिकेट होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में क्या चीज़ शो करती है, तो क्या करती है एच से होता है होल बेसिस सिस्टम, एच वाला जो है वो एच होल बेसिस सिस्टम होता है, ठीक है। छोटा वाला एच और कुछ दिखाता है, पी और कुछ दिखाता है, जे और कुछ दिखाता है। विच डिवाइस इज यूज एज डेटम वाइल मार्किंग विद बर्नर हाइट गेज। बर्नर हाइट गेज के लिए क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल की जाती है, बर्नर हाइट गेज यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, फेस प्लेट है, सरफेस प्लेट है, एंगल प्लेट है, ड्राइंग प्लेट, सरफेस प्लेट पे ये यूज किया जाता है। इसका आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इट टर्म बेसिक साइज इंडिकेट। बेसिक साइज क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, मिनिमम लिमिट साइज, मैक्सिमम लिमिट साइज, साइज ऑफ द कंपोनेंट, साइज बेस्ड ऑन डायमेंशन, डायमेंशन आर गिविन, जो उसका साइज दिया है वो उस पर निर्भर करता है। इसका डी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू इंडिकेट फंडामेंटल डिवीजन ऑफ द होल इन बी आई सिस्टम। बी आई सिस्टम में फंडामेंटल सिस्टम इंडिकेट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का, स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, नंबर्स ओनली हैं, आइदर कैपिटल हो स्मॉल लेटर है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसका बी सेक्शन सही है, कैपिटल लेटर सही है इस्तेमाल यूज किया जाता है, जैसे कैपिटल एच इस्तेमाल किया जाता है होल बेस सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट साइज ऑफ द डायमेंशन। इसमें क्या रहा है कि इसमें मैक्सिमम जो है लिमिट डायमेंशन क्या है, ध्यान दें सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जो 25 साइज दे रखा है, प्लस में दे रखा है 0.03, यानी कि 3 माइक्रोन दे रखा है इन्होंने, तो 3 माइक्रोन जो दिया है तो मैक्सिमम साइज उतना ही आएगा 25.003, और सबसे मिनिमम जो होगा तो क्या होगा, इसमें हम 25 में से 1 माइक्रोन माइनस कर देंगे, यानी कि 24.99 हो जाएगा। जो लास्ट वाला डी है वो आपका क्या होगा, मिनिमम होगा, और जो आंसर के लिए अभी फिलहाल है वो है आपका 25.03, तो इसमें आंसर ए सही है, ठीक है। अगर पूछ रहा है मैक्सिमम की जगह पूछ रहा है मिनिमम, तो मिनिमम आएगा 24.99, ये वाला आ जाएगा, वरना जो है उस आंसर जो है ऊपर वाला सही है, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट द मिनिमम लिमिट साइज ऑफ ए डायमेंशन। इसमें लिमिट साइज मिनिमम क्या दिखा रहा है, अब इसमें यहाँ पर छाड़नी है आपको कि मिनिमम क्या दिखा रहा है, तो 5 की मिनिमम क्या आएगी, 50 साइज है, प्लस में 0.03 है और माइनस में 0.02 है, तो माइनस में 0.02 घटा देंगे तो क्या आएगा इसमें 49.8 आएगा, यानी कि डी सेक्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ डायमेंशन 30 प्लस माइनस 0.02, तो इसमें टॉलरेंस कितनी आएगी, ध्यान दें मोटा मोटा दिमाग लगाएं, इसमें दो साइज दे रखे हैं प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस में 0.02 जाएगा, प्लस में 0.02 जाएगा, तो दोनों को जोड़ लो 2, 2, 4, तो सीधे क्या हो गया, छठे का भी सेक्शन सही हो गया, यानी कि इसमें लिमिट क्या हो गई, टॉलरेंस क्या हो गई, 4 हो गई। टॉलरेंस क्या होती है, हाई लिमिट लो लिमिट का जो अंतर होता है उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम साइज जाएगा 30 प्लस 0.02 और माइनस में जाएगा 29.98, दोनों को माइनस करोगे तो 0.04 आएगा, तो 0.04 यानी 40 माइक्रोन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर चलते हैं 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ द ड्रिल कैरियर द कूलेंट टू द कटिंग एज, लिप लैंड फ्लोट पॉइंट, यानी कूलेंट किस रास्ते से जाता है, को किससे जाता है, सी सेक्शन से जाता है, सी वाला सही है इसका, फ्लूट से जाता है, फ्लूट से, क्योंकि जो फ्लूट होते हैं उसी में पानी या कूलेंट चलता है। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन फॉर द मेकिंग होल ऑन वर्कपीस। वर्कपीस पर जो छेद बनाया जाता है, होल बनाते हैं, उससे क्या करते हैं, ड्रिल से छेद करते हैं, तो कौन सा ऑपरेशन आपका ड्रिल हो गया, इसका भी आएगा ड्रिलिंग करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वे द कूलेंट फ्लो थ्रू द कटिंग एज इन ए ड्रिल पेव लैंड बॉडी फ्लूड, किससे थ्रो होता है, अभी पीछे क्वेश्चन आया ये फ्लूड से फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वाई द टैप ड्रिल साइज टू बी द कैलकुलेट, किससे टैप ड्रिल आप जो है कैलकुलेट करते हैं, किससे करते हैं, इसमें डी आएगा टू मेंटेन सफिशेंट मटेरियल टू द टैप, तो डी सेक्शन का सही है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ द मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्या फ़ायदा है कि प्रोडक्शन रेट इज इंक्रीज्ड, अधिक उत्पादन करते हैं तो माल जो है हमें सस्ते दाम में मिल जाता है, इसका ए सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द मास प्रोडक्शन, डिसएडवांटेज मास प्रोडक्शन का क्या है, क्या डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन का डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन रेट इज लो हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पीसेस रिड्यूस हो जाएगा, जिग एंड फिक्चर्स आर नीडेड हो जाएगा, और गेज आर यूज टू द चेक द कंपोनेंट। तो डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि इसका जिग एंड फिक्चर्स आर नीडेड, उसे हमें जिग फिक्चर की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग डायल इंडिकेटर इंस्टेड ऑफ द स्क्राइबर पॉइंट इन बनियन हाइट गेज, बनियन हाइट का जो पॉइंट होता है वो क्या करता है, टू चेक इसेंसिटी फॉर एक्यूरेट मार्किंग एक्यूरेट मेजरिंग गुड अपीरेंस, तो इसका जो क्वेश्चन का ए सही है, टू चेक द इसेंसिटी, आप जानते हैं जो उसका पॉइंट होता है डायल इंडिकेटर वाला, वो किसी जॉब के गोल जाब हो या समतल सतह हो उसकी पैरिटी चेक करेगा, इसकी गोलाई को चेक करेगा, यानी कि इसकी इसेंट्रिसिटी को चेक करता है, उसमें कितनी आउटनेस है उसको शो करता है।